ओके स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ मौजूद हैं क्लास सिक्स के लेक्चर नंबर 43 के साथ, जिसमें आज हमने आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट करवाना है, ईयर नंबर 9। अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 98 पे देखेंगे तो आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है लीनियर इक्वेशन। आज हम आपको इसके बारे में कंसेप्ट देंगे। सबसे पहले पेज नंबर 99 के ऊपर लिखा हुआ है अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक के बारे में हम अपने ईयर नंबर 8 में पढ़ चुके हैं। अब इक्वेशन क्या है? इक्वेशन के लिए मैं एक सिंपली वर्ड यूज करूंगी कि जब इक्वल आ जाए किसी स्टेटमेंट में, जब इक्वल का साइन आ जाए तो इट्स मीन इक्वेशन। सिंपल अपने माइंड में रखने के लिए कि जब किसी एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आ जाता है तो इट्स मीन इक्वेशन। ठीक है, यहाँ भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बुक में क्या कहता है? एन ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट विद इक्वल साइन इज नोन एज इक्वेशन। कि जब आपकी किसी इक्वेशन में, स्टेटमेंट में इक्वल का साइन आ जाता है, इक्वल का साइन क्या है? या इक्वल का साइन या जाता है तो इट्स मीन कि वो क्या है? इक्वेशन है, पहली बात ये। साथ ही कहता है विच मीन्स द वैल्यू ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द अदर साइड ऑफ द स्टेटमेंट। इस इक्वल का मतलब ये होता है कि अगर इक्वल की इस तरफ एक्स है, इस तरफ टू, तो इट्स मीन एक्स की वैल्यू क्या है? टू। ठीक है, ये दो साइड्स की वैल्यूज को एक दूसरे के बराबर शो करता है। नेक्स्ट कहते हैं द वेटिंग बैलेंस इज एन एग्जाम्पल देता है आपको। द वेटिंग बैलेंस इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ एन इक्वेशन दैट वी कैन ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ की उसने एग्जाम्पल दी है कि आपने तराजू देखा होगा जिसको हम वेट बैलेंस कहते हैं, वेटिंग बैलेंस कहते हैं। उसके ऊपर कोई भी चीज़ आप रखते हैं तो वो आपको जब तक इक्वल नहीं होता तब तक आप उसको कम ज़्यादा करते रहते हैं। तो इसी तरह से इक्वल का साइन जो इक्वेशन है वो भी आपको दोनों साइड्स की बैलेंस करने में हेल्प करती है। आगे कुछ पॉइंट्स हैं। द टू पेन्स ऑफ द बैलेंस कैन बी कंसिडर्ड एज टू साइड ऑफ द इक्वेशन। के तराजू के दो हिस्से होते हैं, वो हम इक्वेशन के दो हिस्से समझ लेते हैं। इक्वालिटी साइन इंडिकेट दैट द टू स्केल पेन आर इन बैलेंस। वो जो इक्वल का साइन बीच में हम लगाते हैं और वो तराजू के सेंटर में जो आपको हैंडल देखते हैं वो और इक्वल का साइन जो है वो एक दूसरे से हम उसकी मुशावरत कर रहे हैं। एग्जाम्पल को वो डेली लाइफ की एग्जाम्पल और आपकी मैथमेटिक के इक्वेशन को वो कंपेरिजन करके आपको बता रहा है। When we subtract, multiply, divide or add an equal number from both sides of an equation, the equation remains in same balance. किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जरूरी है कि अगर आप एक तरफ वैल्यू प्लस कर रहे हैं दूसरी तरफ भी वही वैल्यू प्लस कर रहे हो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक तरफ डिवाइड कर रहे हैं दूसरी तरफ भी डिवाइड, इस तरह से कुछ कहना चाह रहा है। जो सिंप्लीफिकेशन है वो हम आपको आगे बताते हैं। सपोज दैट द वेट ऑफ वन पैन इज एक्स प्लस टू एंड वेट ऑफ सेकंड पैन इज थ्री। इफ द वेट इन टू पैन आर इक्वल देन इक्वेशन बी एक्स प्लस टू कहता है। अगर एक तरफ पैन का वेट एक्स प्लस टू है सपोज कर लेते हैं और दूसरे पैन का वेट थ्री है, तो अब हमने उनको बराबर शो करना है, उसके दरम्यान में इक्वल लगा दें तो ये एक क्या बन गई है? इक्वेशन। ये क्या बन गई है? इक्वेशन। ठीक है, होप्स आपको अच्छे से समझ आई होगी कि इक्वेशन क्या है। जब इक्वल का साइन आ जाए वो इक्वेशन है। फिर उस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने सपोज कर लिया एक तरफ वैल्यू एक्स प्लस टू है, एक तरफ थ्री, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर। ये सिर्फ हमने सपोज किया। साथ ही वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की हेडिंग देता है, देखते हैं इसमें क्या है। लीनियर का मतलब है कि जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन। दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी, लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि जिस इक्वेशन में वेरिएबल क्या होता है? इंग्लिश अल्फाबेट्स। वेरिएबल की पावर वन हो, जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर वन होगी वो आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। जिस तरह से मैंने ये इस इक्वेशन को देखा, इसमें एक ही वेरिएबल है एक्स और उसकी पावर कुछ नहीं थी हुई यहाँ पे, और जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर वन होती है। जिस तरह से हम कहते हैं जिस वैल्यू के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं हो उसके साथ वन होता है, इसी तरह जिसकी कोई पावर ना हो उसकी वन पावर होती है। तो ये इक्वेशन क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? वन। ओके, रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी कैन सी दैट द इक्वेशन x + 2 = 3 कंटेन अ सिंगल वेरिएबल। एक ही वेरिएबल है ना, सिर्फ x, y भी नहीं है, जैसे इस तरह कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है x।
विद द पावर ऑफ वन, पावर भी उसकी वन है। सच टाइप ऑफ इक्वेशन आर कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, द इक्वेशन विच कंटेन अ सिंगल वेरिएबल विद एक्सपोनेंट वन, वो इक्वेशन जो सिंगल वेरिएबल रखती हो और उसकी पावर भी वन हो, इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे भी कंसिस्ट होती है, मगर यहाँ पे वो एक ही वेरिएबल की बात कर रहा है, तो इसलिए उसने एक ही वेरिएबल यूज किया। मगर लीनियर इक्वेशन के लिए जरूरी है कि वेरिएबल जितने मर्जी हो, मगर लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वन ही होनी चाहिए। जनरल फॉर्म आपको बता देती हूँ, जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। प्लस जो है इसमें आपका साइन है, ऑपरेशनल साइन, एक्स जो है वो वेरिएबल है, ए और बी जो है ये कॉन्स्टेंट टर्म है, जिसको हमने क्या किया है, क्या किया है हमने सिंबॉलिक फॉर्म जनरल फॉर्म में हमने इनको लिखा है कि आप इसमें ए की वैल्यू बी की वैल्यू जो भी पुट करते जाओगे आपके पास आंसर आता जाएगा, कि हर क्वेश्चन में वैल्यू चेंज होती हैं, तो इसलिए उसने जनरल फॉर्म के लिए आपको ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में आपको बता दिया, ताकि आपको इजी हो जाए। अब अगर मुझे इन्हीं इक्वेशंस को, ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हो, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसी एक्स प्लस टू वाले लीनियर इक्वेशन को मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। सॉल्व करने का मतलब है कि इसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड कर लें, और इसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू किस तरह से आप फाइंड करेंगे, कि अगर ए में आपको रूल बताया था एक चैप्टर में कि अगर एक तरफ इक्वल के एक तरफ वैल्यू प्लस हो रही हो तो वो दूसरी तरफ जाएगा, अगर वैल्यू जो प्लस है वो माइनस हो जाएगी, अगर एक तरफ माइनस वन है तो दूसरी तरफ प्लस हो जाएगी जाके, एक तरफ अगर मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, एक तरफ अगर डिवाइड हो रही है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, ये रूल है। तो अब यहाँ पे देखें ये टू एक्स के साथ प्लस हो रहा है क्योंकि मुझे एक्स चाहिए, और जो वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है उसको हमें सेपरेट करना होता है, उसके साथ कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो इसके साथ ऑलरेडी टू आ रहा है तो मुझे इसको यहाँ से रिमूव करना है। सो ये ऐसे तो नहीं कर सकती कि इसको ऐसे ही हटा दूँ, नो, किसी रूल किसी मेथड के थ्रू ही हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। तो क्या करेंगे, एक्स के साथ ये टू प्लस हो रहा है, इक्वल की तरफ दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। आप इक्वल की दूसरी तरफ जो वैल्यू चेंज थी वो हमने पहले ही लिखी है, अब क्योंकि इस तरफ से जो वैल्यू उठा के हम दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं वो आपने बाद में लिखी है। ये टू यहाँ प्लस था, अब इक्वल के इस तरफ आके माइनस हो चुका है, थ्री माइनस टू वन, तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इंशाल्लाह जैसे ही हम नेक्स्ट अपने एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे तो अपनी मजीद एक्सप्लेनेशन को जारी रखेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।